थैंक यू सो मच. नमस्ते, प्रणाम. मैं रूपा मिश्रा आप सभी को प्रणाम करती हूँ. फिल्म का टाइटल बहुत ही प्यारा है और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं दिलीप जॉन जी और हमारे को स्टार हैं विशाल सिंह और भी तमाम कलाकार हैं. पूरा कलाकारों से ये फिल्म भरी हुई है. अनुप अरोरा जी हैं, अयाज खान जी हैं, आर के जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं. अभी बहुत लोग के तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ. और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी. सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस फिल्म से बड़ा अच्छा उद्देश्य दे रहे हैं दिलीप जॉन जी. ये 90 दशक की मूवी बना रहे हैं, तो हमारी पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार. लाइक वेशभूषा, अब थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे तो घर वर से आपको पता चल जाएगा कि कैसी मूवीज़ बन रही है. ऐसा घर तो देखने को नहीं मिलता है. जी, मैं खुद काफ़ी सालों बाद ऐसा घर देख रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके इस कॉन्सेप्ट पे. और आज मेरा पहला दिन है शूट का. आज गाना कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले. जी, तो क्या कहना चाहिए आपको और आपके जो स्टार हैं, कैसे हीरो हीरोइन केमिस्ट्री कैसे बन रही है? केमिस्ट्री तो अच्छी है हमारी विशाल जी की, क्योंकि ये हमारी उनके साथ दूसरी मूवी है. एक में की थी लागल राजा जी पार्ट टू और ये हमारी इनके साथ दूसरी मूवी है. विशाल जी के साथ अच्छे इंसान हैं, बहुत ही गुड नेचर है, बहुत व्यावहारिक हैं, बहुत सबसे मिलजुल के रहते हैं. और फिल्म के प्रोड्यूसर साहब वाले क्या कहने को, कितने अच्छे इंसान हैं? उनके बारे में मत ही पूछिए, बहुत सुलझे हुए. मतलब लगता ही नहीं है कि वो प्रोड्यूसर हैं. मतलब बहुत, क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना बोलूँ कम है. बहुत सीधे साधे से, मतलब कुछ भी बोल दीजिए. मतलब कभी मैं उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी हूँ. व्यास जी करके हमारे मुनि व्यास जी हैं प्रोड्यूसर, आई थिंक यही नाम है ना उनका, व्यास मुनि सिंह नाम है उनका. और बस ये चाहती हूँ ये फिल्म अच्छे से बन जाए और बिना किसी के कॉपरेट की फिल्म नहीं बनेगी. एक फैमिली माहौल बना के सबको चलना पड़ता है, एक टीम को, और सब लोग अपना अपना योगदान दें इस फिल्म में और फिल्म अच्छे से शूट हो और मार्केट में जल्द देखने को मिलेगी मूवी. कितना अलग किरदार है इस फिल्म में आपका? वेशभूषा से तो लग ही गया होगा. अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ पूरी तरह से. 90s की मूवी, अभी मैं ऐसे ही आ गई हूँ. सो कुछ नया देखने को मिलेगा, लाइक 90 वाली दशक वाली सब वेशभूषा, कपड़े, मेकअप, गेटअप सब. तो बहुत मज़ा आएगा इसमें काम करके. जहाँ शूटिंग हो रही क्या करना चाहे, माधवपुर गाँव हो गए और कितना सपोर्ट मिलता है जहाँ घर पर आप शूटिंग? सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी का भी घर बस बगल में ही है सजनवा में. मतलब मेरे डैडी जी का घर है यहाँ पे. मैं रही नहीं हूँ कभी, बहुत बचपन में रही हूँ. मैं तो प्रॉपर गोरखपुर की हूँ, बाहर रहना होता है. तो यहाँ के लोग बहुत ही वैसे भी सपोर्टिंग नेचर के हैं. सो कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं, देखते हैं. इस फिल्म से दिलीप जॉन जी का बनाने का यही संदेश है, यही उद्देश्य है कि ये फिल्म लोग देखें. जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी आजकल तमाम मूवीज़ बना रहे हैं, बहुत लोग को तो नहीं कहूँगी, कुछ लोग हैं जो अश्लीलता परोस रहे हैं, गंदे गंदे गाने, एल्बम्स. तो इस फिल्म से उन्हें बड़ा अच्छा उद्देश्य मिलेगा, उससे कुछ सीखने को मिलेगी कि हम लोग भी कुछ ऐसा मुहिम चलाएँ कि ऐसी कुछ फिल्म बनाएँ कि हमारे दर्शकों को पसंद आए, कुछ अलग करने को मिलेगा. तो भी कुछ ऐसा सोचेंगे कि हमें भी कुछ अलग करना चाहिए. जी, और कौन कौन फिल्में आप लेके आने वाले? अभी तो नरसिम्हा रिलीज हुई है और अभी इस मंथ तेजस्वनी रिलीज हो रही है और हमारी ग्रेट भैया जी की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, निर्वाक दीवाने की भी पोस्ट चल रही है और मझधार भी आने वाली है मूवी. मेरी डेट डिसाइड नहीं है और अपकमिंग ऐसे बहुत सी हैं, दो चार अभी तत्काल में याद नहीं आ रही है. हाँ, अभी नाम मुझे खुद भी नहीं पता है. प्रोडक्शन नंबर 1 से कर रही हूँ इसे, जुलाई से, और 1 अगस्त से कर रही हूँ. फिलहाल ये 2 मूवीज़ हैं मेरे पास. अपने और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि अब तक जितना प्यार देते हैं और आगे भी देते जाइएगा, अपनी रूपा मिश्रा को फुल सपोर्ट करिए और आशीर्वाद दीजिए. थैंक यू सो मच.